25 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाएगा। उससे एक दिन पहले यानी कि 24 मार्च को होलिका दहन है। होलिका दहन देखना आमतौर पर सभी के लिए शुभ माना जाता है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है। इस त्योहार के दौरान होलिका दहन का दर्शन करना लोगों को खुशी, समृद्धि और सुख के संकेत के रूप में माना जाता है। इस दिन को लोग अपनी भक्ति और आस्था में लीन होते हैं और अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हैं। होलिका दहन के दर्शन करना लोगों को नई ऊर्जा और उत्साह देता है और उन्हें नकारात्मकता से मुक्ति के प्रति आत्मविश्वास दिलाता है। होलिका दहन के दौरान विधि विधान से पूजा पाठ भी किया जाता है। बहुत सी खास चीजों की होलिका दहन में आहुति दी जाती है, मगर क्या आप लोगों को ये पता है ऐसा क्यों होता है? होली में अन्न और पूजन सामग्री की आहुति क्यों दी जाती है? तो चलिए इस वीडियो में आपको इस बारे में बताएंगे। होलिका को अग्नि को यज्ञ का प्रतीक माना जाता है। यज्ञ में अलग अलग अन्न, पूजन सामग्रियां और औषधियों की आहुति दी जाती है। ठीक इसी तरह जलती हुई होली में भी आहुतियां दी जाती है। पुराणों के अनुसार हमें जीवन के लिए जरूरी सभी चीजें प्रकृति से ही मिलती हैं और जो भी चीजें हमें प्रकृति से मिलती हैं वही चीजें हम भगवान को समर्पित करके आभार व्यक्त करते हैं। होली के समय में गेहूं, चने के साथ कई अन्य फसलें पक जाती हैं। फसल आने पर उत्सव मनाने की परंपरा है। पुराने समय से ही जब फसल पकती है तब होली जलाकर उत्सव मनाया जाता है। जलती होली को यज्ञ बनाकर नया अन्न भगवान को अर्पित किया जाता है। साथ ही ज्योतिष शास्त्रों में कच्चे सूत को बेहद पवित्र माना गया है। इसी वजह से किसी भी पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान में कच्चे सूत का प्रयोग किया जाता है। होलिका की चारों ओर कच्चे सूत को 7 या 3 परिक्रमा करते हुए लपेटा जाता है। ऐसे ही होलिका दहन के दौरान अग्नि की परिक्रमा करते हुए भी कच्चे सूत को तोड़ तोड़ कर अग्नि में अर्पित करने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि कच्चे सूत का संबंध शनि ग्रह से होता है। इसके अलावा कच्चा सूत को बीमारियों का नाश और सभी बाधाओं को दूर करने वाला कहा जाता है। ऐसे में होलिका पर कच्चे सूत लपेटने और होलिका दहन की आग में कच्चा सूत अर्पित करने से कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत होती है और साथ ही शनि दोष से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में किसी भी प्रकार की बाधा या नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकने और दूर करने के लिए भी कच्चा सूत सहायक होता है। साथ ही अगर कोई लंबे समय से घर में बीमार है तो उसके नाम का कच्चा सूत होलिका दहन की अग्नि में जरूर डालना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से उसकी सेहत में सुधार होता है और साथ ही बुरी नज़र से बचाव होता है। होलिका दहन के लिए जब गोबर के उपलों और लकड़ियों से होलिका तैयार की जाती है तो उन उपलों लकड़ियों को कच्चे सूत से ही बांधा जाता है। ऐसा सिर्फ होलिका को बिखरने से बचाने के लिए ही नहीं बल्कि इसके पीछे का उद्देश्य बुरी शक्तियों को बांधना भी होता है। साथ ही फाल्गुन पूर्णिमा पर पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करना जरूरी है। माना जाता है कि इस तिथि पर किए गए श्राद्ध, तर्पण, धूप ध्यान से घर परिवार के पितृ देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। पितृदेवता घर परिवार के मृत सदस्यों को कहा जाता है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को धन और अनाज का दान भी जरूर करना चाहिए। इस बार होलिका दहन का शुभ मुहूर्त देर रात 11:13 से लेकर 12:27 तक है। होलिका दहन का समय 1:14 का है। भद्रा पूज के दौरान भी होलिका दहन किया जाता है। इस दिन भद्रा पूज में होलिका दहन का समय 6:33 से लेकर 7:53 तक का है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी धर्मकर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।